समर्थन वापस लेने का फैसला किया। आज शाम ही जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने पद से इस्तीफा देंगी, जिसके बाद बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी के समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी गई है। बीजेपी की ओर से राज्यपाल शासन की मांग भी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल शासन लगाने की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बीजेपी नेताओं से मिलने से पहले अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी, इस बात की भी सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आ रही है। फैसले के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि हमने गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के 3 साल के कामकाज, सभी एजेंसियों से राय लेकर यह फैसला लिया है, जिसके बाद यह तय हुआ है कि बीजेपी अपना समर्थन वापस ले रही है। गठबंधन में आगे चलना मुश्किल बता रहे हैं राम माधव। सीधे तौर पर राम माधव ने कहा कि 3 साल पहले जो जनादेश आया था, और अगर आज अफसरों के हाथ में लगाम लग गई तो लाजमी तौर पर अफसर अफसर होते हैं। आपको लगता है बीजेपी को कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे इलेक्शंस में? नहीं, ये अभी कहना कबल अज वक्त होगा। आने वाले वक्त में आज हमारे जो वोटर्स हैं वो काफी मैच्योर हैं, और अभी आपने देखा कि जो बाय इलेक्शंस हो गए हैं यूपी में, जिसको ये एक बहुत ही मजबूत कल्ला समझते हैं अपने लिए, तो वहाँ के नतीजे आपने देख लिए, बिहार के नतीजे आपने देख लिए, कर्नाटका के नतीजे आपने देख लिए, भला यहाँ गवर्नर्स रोल कायम होगा, और लोग बहुत ही मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है गवर्नर्स रोल से, न यहाँ का मसला हल होगा और न कहीं और उसका फ़ायदा होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी, 2000 देख करके नहीं, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देश हमारे लिए पहले है, देश की एकता सुरक्षा और अखंडता को देख कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मीडिया से मुखातिब होंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मसले की जानकारी देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, शाम 4 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है पीडीपी ने, अहम बैठक होगी। समर्थन वापसी पर पीडीपी का बयान भी सामने आ गया है। पीडीपी ने साफ तौर पर कहा है कि कल तक बीजेपी ने कुछ नहीं बताया, पीडीपी से बीजेपी का समर्थन वापस हुआ है। पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, यानी सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनाही कर दी गई है। अब बची कांग्रेस, और कांग्रेस और पीडीपी की अगर दोनों की सीटें मिला ली जाएं तो भी शायद ये आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 3 सीटों का फर्क था लगभग बीजेपी और पीडीपी में। लगातार बयान भी आ रहे हैं, हम आपको लगाने घर जाते चौधरी औरंगजेब जैसे सैनिक को, जो ईद बनाने अपने घर जा रहा था उसको गाड़ी से उतार के मार दिया गया। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग हो गई, एसएचओ फिरोज अहमद डार को। Reactions that we tried our level best to run the government along with the coalition partner, but this came to an end. Though we tried all the best to go by the agenda of alliance and the commitments we had made with the people, but this had to happen this way. You know, we could have not gone more than this again as a people, and the atrocities and other things could have not been more. So a decision has been taken by the partner. Now the party is going to meet and we'll see next course of action. We'll go to the people and they are the best judges. They can decide on this. Any particular reason present time that why this happened abruptly? No, it is a surprise to us also happening this abruptly. There was no such indications before. The situation was not very good in the valley, but the alliance partner was with us in all the decision making and everything. But there were certain issues where we had to fight somewhere in the court. This was protection of Article 3 and then 35A and many other things. We did go ahead with what we felt good for the people of Jammu and Kashmir. This is not the first time the situation is not good in the Kashmir Valley. Even the Ram Madhav also mentioned in the press conference the situation is not good, including also mentioned that the Shujaat Bukhari veteran journalist have also killed. This is one of the reasons. So I don't think so that this is the main reason the situation is not good. Maybe the behind the curtain some conspiracy is different.
We can only put our heads together and discuss in the party meeting at 4 o'clock. So we will let you know after that. What next? What next? We'll go to the people and we'll see what they decide and how do we deal them. Thank you very much. हमारे वीरो चीफ नीरज पांडे इस बीच फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, एक बड़ा फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब लिया गया है। आगे हम इस पूरे फैसले को कैसे देखें और क्या तस्वीर कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस उसमें थी कि शायद वो हालात सुधर जाएं और उनकी उनकी जो सरकार है कश्मीर में हालात को सुधारने में कामयाब रहेगी, लेकिन लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पीडीपी का साफ कहना था कि सेना की जो लगातार एक्टिविटी है उसको कम किया जाए, सेना को वहां से धीरे से हटाया जाए, लेकिन उसके लिए केंद्र तैयार नहीं थी। और रमजान के समय पे आप देखा जिस तरह से सीज फायर रोका गया, जिस तरह से सीज फायर किया गया, उस दौरान कश्मीर के हालात और बिगड़ते चले गए। ये साफ था कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सोच है, दोनों की जो कोई छोटा छोटे साइज का पकड़ दे, छोटे साइज का पकड़ दो। रोल सर, बीजेपी ने फुल आउट किया है पीडीपी सरकार से, और जो तर्क दिए गए हैं, रीजन बताए गए हैं राम माधव की तरफ से, उसको किस तरह से? मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकार ने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती स्वीकार की, और ये 3 साल बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में बुरी तरह असफल हुए, और इन 3.25 सालों में उन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक पटड़ी पर, राजनीतिक पटड़ी पर, डेवलपमेंट की पटड़ी पर कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जब हमारी सरकार रही, हम लोगों ने आतंकवाद को ख़त्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था, लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन साढ़े तीन वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में, वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते, तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, अपनी नाकामी से नहीं भाग सकती। और जो उन्होंने गलती की थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2015 के शायद मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसी हफ्ते में इनकी सरकार बनी मुफ्ती साहब के साथ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना रहे हैं, ये हिमालया जैसी गलती होगी, हिमालयन गलती होगी, और हम प्रूव साबित हुए
कि वो हमालियन गलती थी और एक तजर्बा इन्होंने किया, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था, कश्मीर का जुग्राफिया हिस्ट्री का इनका और लेना देना कोई था नहीं, क्योंकि पूरा उम्र भर इन्होंने कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके तो अपनी पार्टी बनाई थी और फिर वहीं 70 साल के बाद सरकार चलाना चाहते थे, जो कि एक असंभव चीज़ थी। अब जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ, इस तबाही और बर्बादी से तो जम्मू कश्मीर के लोग बच गए जिस तबाही का शिकार पिछले 3.25-3 साल से जम्मू कश्मीर के लोग हुए थे। ये सब सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। जब नाकामी हुई इनकी, पैसे खूब कमाए, करप्शन खूब किया, डट के करोड़ों रुपए कमाए, एक एक ट्रांसफर के कितने कितने पैसे लेते थे, पैसा कमा लिया और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, और अब बहाने बनाते हैं बीजेपी। टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी शुड बी सिक्योरली हेड रिस्पॉन्सिबल, वाइल आई होल्ड द पीडीपी गवर्नमेंट, पीडीपी लीडरशिप फॉर दिस रिस्पॉन्सिबल, बट द भारतीय जनता पार्टी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हैव ए गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैड अप्रोच्ड द पीडीपी, आई हैड अप्रोच्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उमर साहब सेकेंडेड दैट प्रपोजल ऑफ हैविंग ए ग्रेटर अलायंस, greater alliance of PDP, National Conference and Congress, and both Umar Saab and I assured on behalf of the party they will be, we will support Mufti Saab for full term, but let them keep away and keep off from the BJP. But it was on the instance of Honorable Prime Minister, whose party, I won't say that he himself, but directly, indirectly, the local government was threatened that they will not get the full assistance, full support from the BJP.